अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। असल में ये खबर तो कल ही आ गई थी हमारे पास, लेकिन हम कल आपको दिखा नहीं पाए थे। ये खबर पृथ्वी से 2,892 लाख किलोमीटर दूर मंगल ग्रह से आई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल पर एक नया इतिहास रच दिया है। नासा ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह के आकाश में एक छोटे आकार का रोबोटिक हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाया है। इसकी तुलना मानव इतिहास की फर्स्ट फ्लाइट से भी की जा रही है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर इंसान द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान है। इसलिए अब हम इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। वैसे तो आज मंगलवार है और यह खबर भी मंगल ग्रह से ही आई है और यह सब कुछ शुभ होने का संकेत दे रही है। आपने किताबों में राइट ब्रदर्स को जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने ही वर्ष 1903 में पहली बार एयरप्लेन को आकाश में उड़ाया था और यह उड़ान सिर्फ 12 सेकेंड की थी। तब इस आधुनिक फ्लाइट ने ही हवाई सफर के लिए नया रास्ता तैयार किया था। आज मंगल ग्रह पर नई संभावनाओं की उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने लगभग 30 सेकंड तक मंगल ग्रह के आकाश में उड़ान भरी। हालांकि इसके लिए नासा ने 6 साल की कड़ी मेहनत की है और दर्जनों बार असफल होने के बाद भी नासा के वैज्ञानिक हार मानने के लिए तैयार नहीं हुए और नासा की इन्हीं कोशिशों ने आज सफलता का ये रूप लिया है जो इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। तो आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये मंगल ग्रह की तस्वीरें हैं और मंगल ग्रह की सतह के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आप देख रहे हैं। 18 फरवरी को जब नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, तब यह हेलीकॉप्टर इसी रोवर में मौजूद था, जिसे विज्ञान की भाषा में इंजेन्यूटी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक छोटे आकार का रोबोटिक हेलीकॉप्टर, यानी यह भी एक रोबोट ही है। इसकी खास बात यह है कि इसे विशेष तौर पर दूसरे ग्रह पर उड़ने के लिए ही तैयार किया गया है और इसका एक भारतीय कनेक्शन भी है। इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने वाले नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर जे बॉब बालाराम भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। वो भारत के केरल राज्य से आते हैं और नासा के इस मिशन के चीफ इंजीनियर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस हेलीकॉप्टर को लाखों किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों को पहले यह डर था कि कहीं ये हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की ऊबड़ खाबड़ सतह पर क्रैश ना हो जाए, क्योंकि मंगल ग्रह पर सतह समतल नहीं है और इसे रोबोट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह जो है मंगल ग्रह की वो ऐसी है जहां पर अच्छे से अच्छे रोबोट्स भी नाकामयाब हो जाते हैं। आपने नासा के हेलीकॉप्टर की खबर देखी, लेकिन क्या आपको अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट की कहानी पता है? ये भी इसी हफ्ते की कहानी है। ये सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को, यानी आज से ठीक एक दिन पहले लॉन्च किया गया था। ये खबर भी हम आपको कल दिखाना चाहते थे, लेकिन आज एक दिन देर से दिखा रहे हैं। 24 घंटे जरूर बीत चुके हैं, हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, लेकिन खबर के का जो महत्व है वो उतना ही है। भारत की इस पहली सैटेलाइट के लॉन्च होने की कहानी बहुत दिलचस्प है और यह हमें जीवन में नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देती है। आज हम इसकी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। वर्ष 1968 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के निर्देशन में 20 युवा वैज्ञानिकों ने देश का पहला सैटेलाइट बनाना शुरू किया था। उस समय हमारे देश में संसाधनों की बहुत कमी थी, ना तो वैज्ञानिकों के पास बड़े बड़े दफ्तर थे बैठने के लिए और ना ही संसाधन थे, कोई जगह नहीं थी बैठने की, और ना ही सैटेलाइट बनाने के लिए उनके पास कोई आधुनिक लैब थी। उस समय अंतरिक्ष से जुड़े छोटे प्रयोग करने के लिए भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। आप इस तरह से समझिए कि भारत का पहला सैटेलाइट बनाने का काम एक टिन शेड के कमरे में शुरू हुआ था, जहां भीषण गर्मी में हमारे वैज्ञानिक पसीने से तरबतर रहते हुए लगातार काम करते थे। एक टिन शेड बनाया था। हालांकि हमारे वैज्ञानिक ये सैटेलाइट तो बना रहे थे, लेकिन तब हमारा देश इसे लॉन्च नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। और तब रशिया हमारा बहुत करीबी मित्र था। रशिया ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और रशिया ने कहा कि अगर आपने इस सैटेलाइट को बना लिया तो हम इसे लॉन्च कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो हमारी इस सैटेलाइट को बनाने में तो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस लगे हुए थे। कोई भी देश सैटेलाइट बनाने में हमारी मदद नहीं कर रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था। रशिया ने कहा कि आप सैटेलाइट खुद बना लीजिए
लेकिन हम इसे लॉन्च कर देंगे। उस समय रशिया के इस इनकार से ऐसा ही लगा कि यह सैटेलाइट बन भी नहीं पाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो इसमें कामयाब हुए। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने इस मिशन के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। भारत के पहले सैटेलाइट को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और यह वो सैटेलाइट था। भले ही आपको यह सब साधारण लगे, लेकिन कई शताब्दियों की गुलामी के बाद भारत के लिए उस समय अंतरिक्ष विज्ञान में कदम रखना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। अब आपको इसके नाम के पीछे की कहानी बताते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस सैटेलाइट के नामकरण के लिए तब 3 नाम सुझाए गए। पहला था जवाहर, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लिया गया था और वो इंदिरा गांधी के पिता थे, तो कहा गया कि इसका नाम जवाहर रख दीजिए। तब फैशन भी यही था, सब कुछ गांधी परिवार के नाम पर ही रखा जाता था। दूसरा नाम सुझाया गया मैत्री और तीसरा था आर्यभट्ट। इंदिरा गांधी ने इन 3 नामों में से आर्यभट्ट को चुना क्योंकि आर्यभट्ट भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और उन्होंने ही शून्य और दशमलव की खोज की थी, जिसके बाद से आधुनिक गणित का विकास हुआ। इस कहानी को दिखाने का हमारा मकसद आपको ये बताना है कि छोटे प्रयास ही बड़ी सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। जो लोग डर की वजह से कोई काम नहीं करते, उन्हें सफलता भी कभी नहीं मिलती। इसलिए आर्यभट्ट सैटेलाइट की जो कहानी है, हमने खुद इसे बनाया सिर्फ 3 करोड़ रुपए के बजट में, और तब से लेकर अब तक इसरो हमारी जो संस्था है वो लगातार कम बजट में शानदार काम करती आ रही है। वही काम दुनिया की दूसरी एजेंसियां 1000 करोड़ रुपए खर्च करके करती हैं, जो काम हम बहुत कम पैसे में आज भी कर रहे हैं, तो एक सीखने वाली बात है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।